मंत्र लेके किसी गुरु से, और फिर ऐसे कैसे कह सकता है कि दीक्षा ले रखी है? नहीं, मंत्र तो गुरु देगा ना, और गुरु जब मंत्र देता है तो वो एक मंत्र थोड़ा ही देता है, ठीक है। ब्रह्मास्त्र पे, अस्त्र पे चलाने के लिए अलग मंत्र है, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र का मंत्र अलग ही होगा, और शिवास्त्र का मंत्र अलग ही होगा, पाशुपत अस्त्र का, और हरि अस्त्र का मंत्र अलग ही होगा, और आग्नेय अस्त्र का मंत्र अलग होगा। तब सबके मंत्र अलग अलग, और शंख जो सुदर्शन चक्र का मंत्र अलग होगा। तो सबको वो अलग अलग मंत्र का अभ्यास कराया करता था। एक्चुअली में अगर आज ना सच्चे गुरु रहे नहीं है, जो गुरु है उसको सभी मंत्र सभी देवता आने चाहिए, और सभी देवताओं में वो पारंगत होना चाहिए, सभी देवताओं की विधियों में। आज मैं अब पिछले कई दिन से मैं हनुमान जी का कर रहा हूँ, बोलो। बीच बीच में हर 6 महीने में मेरे 2 देवता पक्के हैं। तो मैं तकरीबन पूरे इन 20 सालों में मैंने भारत के जितने तंत्रों में देवता है और वैसे देवता है, जो पंच देवता है, सबके मैंने भक्ति की है, और सबके मैंने यज्ञ किए। तो वो अलग अलग प्रारूप में अलग अलग अपना अपना उनका बीज सिद्ध हो जाता है, फिर वो बीज इकट्ठे होते हैं, फिर उन बीजों से आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं समझे भाई? आदमी क्या करता है, पहले गेहूं की रोटी खा के देखता है, फिर बाजरा मिक्स करके देखता है, फिर जब वो जानता है कि गेहूं और बाजरा पूरा हो गया, अब मेरा पेट टाइट हो गया, तब वो 5 अनाज को मिला लेता है। फिर जब वो जानता है कि भाई अब मुझे कुछ हल्का चाहिए, या मुझे जो है ना पेट को साफ करना है, तब वो नया गेहूं जो आता है उसको खा लेता है, धरती से उपज के। उसमें क्योंकि नई नई गर्मी होती है, तो वो आपके आपको दस्त लगा देता है, पेट साफ हो जाता है, ठीक है। आप विवेक को धारण करेंगे, विवेक बताएगा आपको करना क्या है, ठीक है। सबके पास उतना ही विवेक है, आत्मा सबकी बताती है कि तू ये कर अच्छा है, तू ये कर अच्छा है। शरीर भी सबका बताता है। देखो आप शरीर को कितने हद तक ग्रहण किए हुए हो, आपको ये पता है, कहीं कण में भी आपकी एडी में भी हल्का सा सुई चुभ जाए आपको पता चलता है कि नहीं, जबकि आपका आत्मा बैठा है, कहीं संचालन कहीं से होता है, और एडी की इतनी सी सुई, नोक भर सुई का पता चल जाता है कि इतने बड़े शरीर में। मरने के बाद कहीं का भी पता नहीं चलता, चाहे कोई पूरा शरीर काट ले, फिर डॉक्टर काट काट के सारा वो करते हैं। नहीं समझे? तो प्राण आधार लेके, प्राण को आधार लेके आपको दीक्षा करनी चाहिए अपनी। आपने अलग अलग गुरु पकड़ लिए, चलो 5 गुरु से 5 बार दीक्षा ले ली। गुरु कितने भी हो सकते हैं, जो संसार में अच्छी सीख दे वही आपका गुरु है। और दीक्षा का मतलब होता है संस्कार। आपको आपके जीवन रूपी स्तर पर युद्ध लड़ने के लिए आपके संस्कार हर प्रकार से उचित होने चाहिए। नहीं समझे आप? तो फिर अब इस संसार में साम की भी, दाम की भी, दंड की भी, भेद की भी, सबकी जरूरत पड़ती है। तो साम, दाम, दंड, भेद, ये सारी नीतियां भी आपको आनी चाहिए। कौन कहता है नहीं आनी चाहिए? अर्जुन को कदम कदम पे नीति सिखा रहे हैं भगवान, अर्जुन को कदम कदम पे सलाह दे रहे हैं, अब ये कर, अब ये कर, अब ये कर। अर्जुन तो यही देखता रह गया, तो मेरा दादा है, वो कह रहा तीर उठा मार, कितनी बार तू इसका दादा बन लिया, कितनी बार ये तेरा दादा बन लिया। मैं जानता हूँ अर्जुन, तू अपने जन्म भूल चुका है, मैं जानता हूँ मेरे सारे जन्म। नहीं समझे? 5000 वर्ष पुरानी बात बताते हैं कि मैंने ये ज्ञान कभी सूर्य को प्रदान किया था 5000 वर्ष पहले, यानी कि 10000 वर्ष पहले आज से 5-5.5 हजार वर्ष महाभारत के युद्ध को हो गए, और उससे 5000 वर्ष पहले क्या सूर्य को ज्ञान दिया, तो 10,500 वर्ष हो गए। नहीं, दरअसल जीवन को जीने की शैली ही दीक्षा है। आपको कोई जीवन को जीने की शैली सिखा दे, यही तो दीक्षा है। नहीं समझे? और वो उसमें पूर्णता हो आपकी, तो आप पूर्ण गुरु के शिष्य हो गए। जीवन को जीने की शैली, जीवन में क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता है? भगवान की। किसकी? भगवान। या नहीं चाहिए? किस किस को भगवान नहीं चाहिए, हाथ उठाए। इसको भगवान नहीं चाहिए, हाथ उठाए। एक हाथ उठाए। इसको भगवान नहीं चाहिए, इसको केवल सफेद रसगुल्ला। किस किस को चाहिए, हाथ उठाए। इसको सफेद रसगुल्ला चाहिए, देखिए। इसको सफेद रसगुल्ला चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। इसके लिए सफेद रसगुल्ले से सफेद रसगुल्ले कीमती है भगवान से, और हम सबके लिए भगवान कीमती है। तो जिसकी नीड हमें सबसे ज्यादा ज्यादा है संसार में, सबसे पहले प्राणपण से हमें उसी को चाहना चाहिए, उसी को प्राप्त करने के लिए यत्न करना चाहिए, ठीक है। जब हमारे सारे यत्न फैल हो जाए, तब हमें संसार की तरफ झुकना चाहिए, और तभी हमें गुरु ढूंढना चाहिए। आपका अंतरात्मा ही आपके विवेक को धारण कराएगा, जब भी कराएगा। जैसे मनु भैया का कोई गुरु नहीं है, ठीक है, तो भगवान ही गुरु हुए। जिसका कोई गुरु नहीं है उसके भगवान गुरु हैं, और जिसके भगवान गुरु हैं उसको संसार के किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। फिर मैंने एक ऐसी वीडियो देखी थी कि एक औरत बार बार यूं कर रही थी कि गुरु जी मेरे सर पे हाथ रखो, हाथ रखो, हाथ रखो। गुरु जी उसके पास आके एक के हाथ में 2000 का नोट था, वो लेके अपनी जेब में रख लेते हैं, उसके सर पे हाथ नहीं रखते। नहीं समझे? और वो वीडियो वायरल है इस संसार में, और वो बड़ा महात्मा कहलाता है, और पता भी होगा आपको कौन है। आप में से किसने देखी है वो वीडियो, हाथ उठाए बिना नाम लिए?
देखिए किसी ने, तो फिर तो गुरु क्या चाहिए? मतलब गुरु तो आपके भगवान ही है, भगवान तो ऐसा नहीं करते ना, भगवान तो अच्छा। और एक बात, इस गुरु को पैसे भी चाहिए, भगवान को तो पैसे भी नहीं चाहिए, उसके लिए तो पैसे नगण्य है। तो भगवान पैसे को छोड़ के पहले आपके सर पे हाथ रखेगा, नहीं समझे? तो जो गुरु दीक्षा ली है वो दीक्षा क्या है, वो दीक्षा क्या आपके जीवन में परिवर्तन कर सकती है? कल हमने 20 लड़के आए जिन्होंने अभी 100 बच्चों ने वो की है, आपने वीडियो भी देखी होगी। अब हमने उनसे पूछा कि भाई आपको क्या सीखने को मिला, तो उन्होंने क्या बताया, भाई हमें संयम सीखने को मिला, है ना, हमें विधि सीखने को मिली, हमें क्या कहते हैं एक संस्कार मिला कि हमें कैसे जो है एक आसन पे बैठना चाहिए। मैं 15 मिनट से ज्यादा नहीं बैठता था, मैं 7 घंटे बैठ के जप करता हूँ, ठीक है। तो हमें एक तो भगवान की तरफ जाने का मौका मिला, दूसरा हमें संस्कार मिल रहे हैं मुफ्त में, और तीसरा कोई भी साधक होगा उसके नियम क्या होंगे बताइए? कम खाना पीना यानी कि स्वस्थ रहना, स्वस्थ रखना शरीर को, कम खाना पीना यानी कि शरीर को स्वस्थ रखना। आप देखोगे जो ज्यादा खाएंगे पिएंगे वही अस्वस्थ होंगे, जो कम खाएंगे पिएंगे हमेशा भूख से कम खाएंगे वे स्वस्थ रहेंगे। क्या सीखने को मिला? कम खाना, अल्प नींद, अल्प आहार, अल्प निद्रा, क्या सीखने को मिला? ठीक है, आसन की सिद्धि, और क्या सीखने को मिला? बीज मंत्रों का जप, और क्या सीखने को मिला? भगवान की ओर उन्मुखता, भगवान के नाम का अवलंबन, और क्या, अच्छे संस्कार। क्या संस्कार? माता पिता की सेवा करना, आदर करना, झुके रहना, ठीक है। और कोई अगर अपने विचार को बीच में व्यक्त करता हो उससे बहस ना करना, ये सब सिखाया जाता है साधनाओं में, कि आपने कोई जिरह नहीं करनी किसी से भी, किसी कोई अपना मत का आग्रह कर रहा है तो उसी को बड़ा समझ लेना उस समय, और छोड़ देना, माफ कर देना, और अपने आप उससे विमुख हो जाना। तो साधना में भी संस्कार ही सिखाए जाते हैं, इसलिए दीक्षा संस्कारों से क्या कहते हैं संबंधित है। तो दीक्षा का मतलब ही गुरु संस्कार सिखा रहा है। और पहले भी क्या दीक्षा होती थी, तब रथ चलाना सिखाया जाता था, घुड़सवारी चलाना सिखाया जाता था, ठीक है, अस्त्र चलाने सिखाए जाते थे। अगर आज मान लिया तो तुम्हें बंदूक गोले तोप देखने को मिल रहे नहीं होते तो क्या करते तुम? तुम्हें यही विद्यालय मिलते सारे, कौन सा विद्यालय मिलता बताना जरा भाई? फिर कौन पढ़ाता इतने सारे शास्त्र? शास्त्र पढ़ने वाले अलग होते हैं, और बाकी सारे आज लोग, आज तो सभी कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई किसी तरह के अस्त्रों के प्रयोग कर रहा है, कोई किसी तरह के शस्त्रों के प्रयोग कर रहा है, कोई केवल जहाज चला रहा है, कोई केवल बस चला रहा है, कोई गाड़ियां चला रहा है, इस तरह सब अलग अलग बट गया। लेकिन अगर पूरे देश की चिंता एक होती कि क्या कहते हैं, जैसे पहले युद्ध होते थे जमीनों को लेके, ऐसे युद्ध होते थे, तुम क्या करते, कहाँ के इंजीनियर बनते, है ना? और इंजीनियर लिमिटेड समय के होते थे, और वे भी क्या बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए इंजीनियर होते थे। साइंटिस्ट कौन से होते थे? साइंटिस्ट वे होते थे कि हथियार कैसा कैसा बनाया जाए, ठीक है, कि हमें युद्ध किस नीति से लड़ा जाए, वही साइंटिस्ट होते थे, वही वैज्ञानिक होते थे। और कूटनीतिज्ञ अलग होते थे कि इधर ये दिशा घेरनी है, ये दिशा घेरनी है, वो इस दिशा से कमजोर है, शत्रु हमारा इस दिशा से कमजोर है, ठीक है कि नहीं, और उनके पास शस्त्रों में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। तब दीक्षाएं ऐसी होती थी, आज की दीक्षाएं अलग हैं। लेकिन इन दीक्षाओं का भी अगर हम पालन सही से नहीं कर रहे हैं तो हमें आता कुछ नहीं है। कान में एक मंत्र देने से दीक्षा नहीं हो जाती है, कि आपने कान में एक मंत्र दे दिया और उससे ईश्वर की प्राप्ति हो गई, मुझे एक दिखा दो। ये जितने महात्मा हैं जिन्होंने भी प्राप्ति किया, उनके नीचे के 10-20 महात्मा दिखाओगे, इन 20 आदमियों को ईश्वर की प्राप्ति हुई है, एक भी नहीं कह सकता, दोनों हाथ उठा के वो महात्मा ही नहीं कह सकते। अगर उनके दर्शन की बात करें तो वो भूल जाते हैं दर्शन कैसे होते हैं, उनको यही नहीं पता ईश्वर कैसे दर्शन देता है, ईश्वर कहाँ दर्शन देता है, कहाँ आपको उपलब्धि होती है, कहाँ आपको आत्म प्राप्ति होती है, नहीं समझे? तो ऐसे चलने वाले महात्मा कितने हैं, मुट्ठी भर भी नहीं है। ऐसे मुट्ठी बंद करो, हो गया सारा काबू में आ गया, अब वे कहाँ रह गए? वे संत नहीं रहे, वे भक्त नहीं रहे, वे महात्मा नहीं रहे। और फिर आज वो अगर कान में कोई मंत्र फूकते हैं, फिर कहते हैं किसी को मत बताना, रे तुम्हारे मंत्र की एनर्जी क्या है, किसी को ना बताओ। अब मैं यह मंत्र जपूंगा सबको एनर्जी का पता चलेगा, तो वे किसी को क्यों नहीं बताएंगे? तो जाके सबको बताएंगे, मनु भैया ने मंत्र यज्ञ कराया हमारे से, हमने यज्ञ किया उसका हमें लाभ हुआ, क्यों नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे भाई, बताएंगे? तो फिर तो वो कान से कान तक का छिपा हुआ कहाँ रहा? वो तो अभी एक लड़का पूछ रहा था मेरे को, जी मैं 2 दिन हो गए मुझे याद ही नहीं हो रहा मंत्र। मैंने कहा बेटा तुम मंत्र पे दिमाग लगा रहे हो, ठीक है दिल से जपोगे अपने आप याद हो जाएगा, मंत्र को तो क्या है 4 बार ऐसे जप लो आप 20 बार, ऐसे ही चीजें आपकी पकड़ में चली जाती है, फिर आपके सब याद हो जाता है। पहले शुरुआत में आपके हनुमान चालीसा याद नहीं होती, जहाँ आप 10-20 बार पढ़ते हैं, 10-20 दिन पढ़ते हैं लगातार, सब कुछ याद हो जाता है, फिर आप उसको भूलते ही नहीं, अपने आप क्रम से चलता रहता है, दिमाग में चलता रहता है, नहीं समझे?
एक ऐसे एक मंत्र में छपा करता था, वो मुझे याद नहीं हुआ करता था। एक दिन एक स्वप्न में देवी आई, मुझे वो मंत्र इतनी तेजी से मैं बोलने लग रहा हूँ कुछ तो नहीं, और मेरे सामने लाइन लगी हुई है गूंगे भैरव और अंधोगी और वो ठीक होने लग रहे हैं स्वप्न में ही। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मन में सब धैर्य होता है, धारण कर लेता है मन, सब मन के पास जो है और जितना है वो सब बहुत छिपा हुआ रहस्य होता है, और वही रहस्य उद्घाटन होता है जब आप मन की साधना करते हैं, ठीक है, और मन को शांत करते हैं, तब वो उन सारी बातों को उठा लेता है जो आपके हजारों जन्मों में बीती है, और वहां से आपको परिपक्वता प्रदान कर देता है। नहीं समझे आप? तो इसलिए लोग जो है मन का भी अवलंबन करते हैं। मन का अवलंबन करना मतलब विचारों को देखते रहना, क्या आया कब आया, और वो विचार देखते देखते शांत हो जाते हैं, तब जो उच्च विचार होते हैं वही आगे आते हैं, बाकी सब पीछे चले जाते हैं, सब मलिन तत्व पीछे चले जाते हैं, है ना। इसका मतलब शांति ही साधना है। क्या है भाई? कैसे? और शांति में ही शक्ति है। तब अलग से लोग कहते हैं कि मुझे सिद्धि मिली। क्या सिद्धि मिली भाई? मुझे तो समझ में नहीं आया आपको क्या सिद्धि मिली। सिद्धि का मतलब ये होता है आप किसी कार्य में लगे हुए हैं, उस कार्य में आपकी सिद्धहस्ता हो जाना, उस कार्य को आप अच्छे से कर पाना आपका आपके द्वारा, वही सिद्धि है। आया समझ में? अब नई सिद्धि कहाँ से मिलेगी भाई? कोई सिद्धि नहीं होती ऐसी कि आप सोचे कि फलाना देवता आ गया, अब आके आपकी रक्षा कर रहा है, खड़ा हो गया। नहीं, आपकी रक्षा आपके विचार करते हैं, आपकी दीक्षा करती है, आपके संस्कार करते हैं। संसार को लगता है आप संसार के लिए कीमती हो, वो रखेगा आपके लिए, वरना तो लात मार देगा। संसार को जब लगेगा आप उसके लिए कीमती नहीं हो, तब उठा देगा आपको संसार से। नहीं समझे? फिर तो दीक्षा का मतलब समझो, जब गहनता से दीक्षा का मतलब एक मंत्र नहीं है जो कान में गुरु ने दिया। अगर वही एक मंत्र होता तो आप पार उतर जाते, एक नहीं दो साल में उतर जाते। मैंने देखा है लोग 20-20 साल से मंत्र जप कर रहे हैं, और वो भी कोई चादर ओढ़ के कर रहा है, कोई आंख बंद करके कर रहा है, कोई किसी तरह कर रहा है, कोई किसी तरह कर रहा है, उनका अपना जीवन प्रभावित ही नहीं होता कभी भी, तो फिर ऐसे मंत्र का लाभ ही क्या हुआ? और जिन्होंने दिया है उनका अपना जीवन प्रभावित नहीं हो रहा। नहीं समझे? बाद में वो पकड़े जा रहे हैं, उनके विचारों में निम्नता आ रही है, उनके विचारों में जो है ना कमी आ रही है। शरीर है उसको बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, मैं ये मानता हूँ, और उनको उन सब अग्नियों को जला के ऊपर उठना पड़ता है प्रत्येक व्यक्ति को। नहीं समझे? बोलिए शनिदेव महाराज की। फिर अब इसमें एक प्रश्न ये बनता है जी, जैसे कई ग्रंथ होते हैं या कई जो साधक होते हैं अपनी किताबें लिखते हैं, तो मैंने किसी साधक की किताब पढ़ी थी, उसमें वो ये कह रहा कि मंत्र जो गुरु मंत्र प्राप्त होते हैं दीक्षा से, अगर वो गुप्त रखते हैं तो जितना गहराता जाता है वो उतना ही तीव्र कार्य करता है, उतना ही तीव्र जिसका जो उद्देश्य से वो मिला हुआ था उस उद्देश्य की वो प्राप्ति करता है। ठीक है, मंत्र गुप्त रखो, फिर ओम को भी गुप्त रखते हैं, फिर वो क्यों बता रहा है? वो तो सबसे तीव्र है ओम तत्सत, और भी तीव्र है, फिर भगवान क्यों बता रहे हैं हमारे ग्रंथों में? ग्रंथों में बताने का मतलब सब पढ़ेंगे, कोई ना पढ़े ऐसा हो नहीं सकता। अगर गुप्तता से सारी रीति होनी है तो फिर भगवान के नाम को ही गुप्त रख लेना चाहिए था, बताना ही नहीं चाहिए था कोई भगवान है, फिर उससे कीमती कौन? अगर कीमती वस्तु को गुप्त रख लिया जाए तो पता कैसे चलेगा? इंग्लैंड ने तो गुप्त नहीं रखा हुआ, रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है, सबके सामने रखा हुआ है, भारत का एक हीरा इंग्लैंड में रखा हुआ है, रखा हुआ कि नहीं रखा हुआ? क्या नाम है उसका बताओ? कोहिनूर। तो क्या उन्होंने सजा के नहीं रखा हुआ, छिपा के रखा हुआ है, खजाने में डाल देते हैं पीछे बंद करके, 50 बोरियों के अंदर, 50 उसके संदूकों के अंदर, 50 तालों के अंदर, और जमीन में नीचे 50 फुट नीचे ले जाते, तब 50 फुट नीचे रखा हुआ है कि ऊपर रखा हुआ है? तो फिर अगर गुप्त रखने से ही सारे लाभ होते तो फिर भगवान जो है ओम शब्द को ही गुप्त रख लेते, उसी की ध्वनि किसी को नहीं सुनाई देती, क्योंकि सबसे कीमती तो वही है, ए ऊ मैं अग्नि मरुत और उषस सूर्य, ठीक है, वो तीनों लोगों के स्वामी है और तीनों लोगों पर राज करने वाले हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवस्य का मतलब यहाँ बहुत सारे देवताओं से है, बहुत सारे देवताओं का तेज किसमें सम्मिलित है, और वो आत्म देवता का तेज है। आपकी आत्मा निकलेगी सूर्य लोक में चली जाएगी, सूर्य में शामिल हो जाएगी, वही तो तेज है, और कौन सा तेज है संसार में? तभी तो आप कहते हो आपका आत्मा आपको दर्शन दे गया। हम कहते हैं करोड़ों सूर्य के बराबर, अरे नहीं, एक सूर्य की बराबरी नहीं होती, उसी एक सूर्य में करोड़ों आत्माओं का तेज सम्मिलित है, अरबों आत्माओं का तेज सम्मिलित है, खरबों आत्माओं का तेज सम्मिलित है, उसी सूर्य से सब प्रकाशित होते हैं, सारी आत्माएं वहां जाके इकट्ठी हो रही हैं सूर्य लोक में। तो फिर वो भी जब वहां का आचरण होगा, वहां की उच्चता होगी, वहां के समान आप हो जाओगे, वहां जाने के लायक आप हो जाओगे। आप जब जाओगे नहीं तो क्या, और क्या गुप्त रखा आपने? नहीं समझे? और क्या चीज गुप्त रह सकती है? भगवान स्वयं अपने आप को प्रकट कर देते हैं, तो फिर गुप्त रखने में क्या दिक्कत है? और क्या मिल जाएगा गुप्त रखने से? उन्होंने कहा एक बात होती है कि गुरु परंपरा में एक ही लाभ होता है, बस
उसके अलावा कोई लाभ नहीं होता। कि गुरु ने अगर उस मंत्र को सारी उम्र जपा है तो वह मंत्र शीघ्रताति शीघ्र फल देने वाला हो जाता है, लेकिन गुरु ने जपा, उसके गुरु ने जपा और नारद से चली आ रही है परंपरा, फिर भी लोगों का उद्धार नहीं हो रहा भाई, उनको प्रेत आदि को पकड़ लिया है। आज पृथ्वी पे जो भार है, भारत में इतना भार बढ़ गया है कुछ हद नहीं, भारत भूमि मानने को तैयार नहीं है, पिशाचादिक प्रेतादिक भी होते हैं और होते हैं और होते हैं, गुरु परंपराएं मानने के लिए तैयार नहीं है। और शंकराचार्य जी महेशानंद जी लिख रहे हैं किसमें, क्या कहते हैं, हनुमान जी का मारुति का एक स्तोत्र लिखा हुआ उन्होंने, उसमें पिशाचादिकों की बात कर रहे हैं, प्रेतादिकों की बात कर रहे हैं। फिर हम ये मान लें कि ये चीजें नहीं होती है हमारी, तो हमारे से देखो, मैं तो एक बात मानता हूँ कि भारत के प्राणी से मूर्ख कोई नहीं है, ना तो वो संदर्भ देखता है, वो चीजें उठा के सीधी कह देता है, कुछ भी कह देता है, तब वो संदर्भ नहीं देख। देखो मैं एक बात बता देता हूँ कि सबके माँ बाप है ना, और सबको अपने अपने माँ बाप प्रिय है, कोई आदमी आपके माँ बाप, अपने माँ बाप की आपके सामने तारीफ करता है, आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने माँ बाप की उसके सामने तारीफ करो, बनता है कि नहीं बनता है? तो वो अपने माँ बाप को अच्छा बताता है, आप क्यों बुरा बताएंगे, आप भी अच्छा बताएंगे, सबके माँ बाप सबके लिए सबसे अच्छे हैं। तो जो हमारे माता पिता है ना, वे हमारे लिए ईश्वर तुल्य हैं, सबके माता पिता उनके लिए भगवान है कि नहीं है, है ना? तो फिर तो जिसके जो दुर्गा को पूछता है उसके लिए दुर्गा सब कुछ है, जो हनुमान जी को पूछता है उसके लिए हनुमान जी सब कुछ है, जो शनि को पूछता है उसके लिए शनि सब कुछ है, तो इसमें कौन सी बात है? तो फिर वो उसी को मान के सारी सृष्टि को रख देता है, वो यही मानने लगता है कि ये सारी सृष्टि उन्हीं से चल रही है, सारा आधार उन्हीं से चल रहा है, क्योंकि जिस देवता को उसने पूजा है वो देवता उसको दिखलाता भी है कि ये सृष्टि मेरी बनाई हुई है, क्योंकि उसके पीछे एक ही तत्व काम करता है कि सबका पिता मूल में एक है, एक आदमी से पूरा गांव बस गया। अब जब कोई गांव की चर्चा करेगा तो यही कहेंगे भाई वो बाल किसान था, उससे पूरा गांव बाल स्वरूप था, उससे पूरा गांव बसा शिकारपुर जो मेरा गांव है ना, तो क्या कहेंगे कि वो बाल स्वरूप नाम का व्यक्ति था, उससे पूरा गांव। अब बाल स्वरूप में कितने आ गए, आज 10,000 लोग आ गए, ठीक है, 10,000 लोगों के पीछे कौन खड़ा दिखाई दे रहा है, बाल स्वरूप दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबकी वंशावली गति कहां से चली है, बाल स्वरूप से चली है। तब ऐसे ही गुरुओं का भी महत्व था, तो उस गुरु के इतने चेले हो गए, शिष्य हो गए, ये हो गए, वो हो गए, क्या बाल स्वरूप जैसे हुए कोई? तो फिर उस परंपरा में कितने तेजस्वी लोग हुए, आज इतने सारे पुराण हैं उनमें सबके ही नाम क्यों नहीं है? तो फिर राजा सगर के 60,000 पुत्रों का नाम ना लिख के किसका लिखा हुआ है? भागीरथ का, भागीरथ का लिखा हुआ है, 10-20 के और लिखे हुए हैं, तो 60,000 के नाम लिखे हुए हैं, तो फिर लिखेंगे तो क्या होगा? तो जो जो फिर महत्ववान हो जाते हैं और पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं के नाम होते हैं। आप जो महत्ववान होंगे, पूर्णता को प्राप्त करेंगे, उन्हीं के नाम होंगे, ऐसे सबके नाम लिखे भी नहीं जा सकते, बताइए तो ठीक है, क्योंकि सब अपने आप को पा भी नहीं सकते, इससे ईश्वर की यही चेतना है, ठीक है, वो उद्गार करता है कि सब अपने आप को पा ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उसने अगर पुण्य बनाया तो पाप भी बनाया, उसने अगर सुख बनाया तो दुख भी बनाया, आगे ना, और उसने भार बनाया है तो भारहीन भी बनाया है जी, उसने भय बनाया तो भयहीन भी बनाया है लोगों को, है, तो वो सब कुछ करने वाला है, तब आप उसी की शरण में रहेंगे। और भगवान सबसे पहली महत्ता है हमारी, और जो छिपा के देता है तो फिर ओम नमः शिवाय ओम को ही छिपा लेते, क्योंकि आज भी संसार में वो सबसे ज़्यादा कीमती है, ठीक है ना, तो जो शब्द कीमती है उसको छिपा ही लो, अगर छिपने से ही सारे लाभ होते हैं तो छिपाने का भी कोई लाभ नहीं होगा, एक दिन बताने का ही लाभ होगा, छिपाने का कोई लाभ नहीं होगा, नहीं समझे? फिर ऐसा तो ये हो सकता था कि यीशु मसीह उत्पन्न हुए, उनको लोगों ने भगवान माना, उनको पहले ही एक डब्बे में बंद कर देते, काम खत्म, फिर कोई भगवान बन ही नहीं पाता, ऐसे ही ना, तो हनुमान जी उत्पन्न हुए, हनुमान जी को वहीं एक महल में रख दिया जाता, फिर काम खत्म, हनुमान जी की महत्ता ही कोई नहीं जान पाता, ना वो राम जी के साथ चलते, ना उनकी मदद करते, ना ये रामहु रावण जीती दी को दल साजी जी ने निज संग लिए है, और विष्णु भये तिनके शरणागत जाके बसे सिया राम ये है, तो जिनके हृदय में सिया राम बसे हुए हैं, तो जो महत्ववान है उसको उजागर करना ही करना पड़ेगा। तो जो शब्द महत्ववान है, जो संसार का भला करने वाला है, कल्याण करने वाला है, उसका तो उजागर करना ही करना पड़ेगा। तो फिर बता गुप्त रख के करेगा क्या सुनील? मेरे जी साधक की टिप्पणी बता रहा हूँ जी, किसी नहीं, साधक की टिप्पणी तो तुम बता रहे हो, मैंने भी तो साधक की टिप्पणी अपनी तरफ से उजागर कर दी, बताओ फिर गुप्त रखने का महत्व क्या? बम बनाना है क्या साधक को, या ब्रह्मास्त्र बनाना है साधक? ब्रह्मास्त्र को गुप्त रखा जाएगा, भाई ये अस्त्र चला, इस पे ये मंत्र जोड़,
ओम जम खम वम, तो ये सुदर्शन चक्र हुआ, ये आपका चक्र चलेगा और वो किसी का गला काट। मैंने भी तो डाल दी, जो संसार के लिए महत्वपूर्ण है, संसार के लिए महत्वपूर्ण ये फोन है, तो एक कमरे में जिसने पहले बनाया एक ही कमरे में बंद कर दिया जाता है, तो सबके हाथ में तो नहीं होता ना आज फिर, और सबको इसकी महत्ता नहीं पता होती, तो ये भी तो मंत्री है भाई। तो एक कारण ये भी मान सकते हैं, ये यंत्र है कि नहीं है, यंत्र तो तंत्र मंत्र यंत्र तीनों काम करते हैं कि नहीं संसार में, तो ये यंत्र है, यांत्रिकी से बना है, तो ये काम करेगा ही करेगा संसार में, और इसको छिपा लिया जाएगा तो कैसे काम करेगा बताओ, इसको बंद कर दिया जाएगा, गुप्त रखा जाएगा तो कैसे काम करेगा। तो इसका मतलब तो यही है कि ये बस अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के हाथ में होना चाहिए, और भारत के प्रधानमंत्री के हाथ में होना चाहिए, और तीसरा रशिया के राष्ट्रपति के हाथ में होना चाहिए, फिर किसी और के हाथ में होना ही नहीं चाहिए, वही आनंद ले इसका, फिर उन्होंने क्यों दिया इसको। तो प्रेत बाधा बढ़ने का कारण भी ये मान सकते हैं जी कि शुरू से ही जो मंत्रों को गुप्त रखते आए हैं, तो जो गुप्त मंत्र हैं वो एक वो संसार का भला नहीं कर पाए। ठीक है, संसार में आज जितने भी गुरु हैं वो आपको दूर से एक मंत्र तो बता सकते हैं कि ये मंत्र जप लो 5 बार तो क्या कहते हैं प्रेत की बाधा टल जाएगी, टला के दिखाओ, शरीर से बाहर करके दिखाओ, नहीं लोगों को लाभ दे के दिखाओ। कल एक लड़का आया था, आज वो नहीं घूम रहा ऐसे, और ना उसको वैसी व्यथा हो रही। अभी तो हम शाम को एक वीडियो डालने वाले हैं न्यूज नेशन वाले, जो राहुल जी आए थे तब उन्होंने पहली बार उस औरत का इंटरव्यू लिया था, तब भी उसके पति ने बताया था इसको कैंसर का रोग है, और ये इसको रोग में आराम मिला है, ये सोने लगी है, ये करने लगी है, अब वो पूर्ण रूप से ठीक हो गई। तो हम कैंसर तो ठीक करते नहीं, हमारा काम तो ये काम करना नहीं है, और वह मुस्लिम होकर यहाँ ही बैठ के यज्ञ कर रही है, अब उसको वो रोग ही नहीं है, उस रोग के लक्षण ही नहीं है, तो बताइए रोग कहाँ गया, इसका मतलब उसको कैंसर था नहीं, डॉक्टरों ने झूठी अफवाह उड़ा दी तेरे को कैंसर। और ये अगर किसी को बताया जाए उसको रोग हो प्रेतादिकों का और पितरादिकों का, और उसको ये बता दिया जाए कि तुझे भला रोग है, और वो भी ऐसा कि जिसको सुन के ही आदमी घबरा जाए। पीछे ब्रेन ट्यूमर की एक महिला आई, उसका एकाकी जीवन हो गया, एकांत में पड़ पड़ के रोने लगी, एक दिन उसकी एक फ्रेंड उसको यहाँ ले आई, यहाँ पता चला उसको सर में प्रेत बैठा हुआ है, उसको डॉक्टरों ने ब्रेन ट्यूमर बता रखा था, अब तो नहीं है वो, अब तो प्रसन्न है, अब तो प्रसन्नचित्त है, ब्रेन ट्यूमर भी नहीं है उसको, कहाँ गया ब्रेन ट्यूमर, नहीं समझे, हमने मान लिया है इतने रोग है, है ही नहीं। मेरी गुड़िया का भी ठिकवा जी उसको बता दिया था, और एम्स में उस समय 4-5 दिन लेट हो रहे, जब मैं अंत में पहुंचे उसके एडमिट सब बन गए थे, 1000 रुपये खर्च आया जिस दिन सर्जरी होनी थी, तो जब फाइनल जांच गई तो फाइनल जांच किया तो पता चला वो क्या कहते हैं वो ब्रेन ट्यूमर है नहीं, अब ब्रेन ट्यूमर बता दिया छोटी सी लड़की को, कम उम्र की लड़की को, तो कितने उदाहरण है शनि धाम में, तो आप देखोगे इसका मतलब हम जबरदस्ती के रोगी हो गए हैं, जबरदस्ती के कष्ट पा रहे हैं, इसलिए कहता हूँ भगवान की शरण लो, क्योंकि ये जो बीज मंत्र हैं ये पहले से ही लिखा हुआ है, ये सारे रोगों को समाप्त करने वाले हैं, जो मंत्र हैं, जो यज्ञ विधि है वो चिकित्सा विधि है पूरी की पूरी परिपूर्ण रूप से, वो हर तरह की चिकित्सा कर रही है, पर्यावरण की चिकित्सा ये कर रही है, पर्यावरण को स्वस्थ रखती है, सुरक्षित रखती है, मानव शरीरों की चिकित्सा ये कर रही है, क्योंकि वायु शुद्ध होगी तो मानव के शरीर शुद्ध होंगे, और क्या कहते हैं अप्रतिम रोगों में लाभ ये दे रही है, क्यों, क्योंकि इससे ऐसी किरणें निकलती हैं, ऐसी तरंगें निकलती हैं जो आदमी को ऊर्जा प्रदान कर रही हैं, तब क्यों ना हम उन्हीं विधियों को अपनाएं जो हमारे ऋषियों ने अपनाई हुई थी। उस समय कौन सा MBBS MD डॉक्टर था भाई, किसने द्रोणाचार्य का इलाज किया, कृपाचार्य का इलाज किया, ऐसा MBBS कौन सा MD था जो क्या कहते हैं महाभारत के युद्ध में शामिल रहा, हैं जी, तो कम से कम 1-2 करोड़ लोगों को, तो जहां लक्ष कोटि लोगों के हाथ पैर कटे हैं उनको बचा ही लिया जाता, MBBS MD होते और इतने हॉस्पिटल होते उस टाइम में, कितना लाभ होता देखो, अर्जुन की सेना आज भी जीवित होती, हद की बात है, तो उस टाइम हॉस्पिटल काहे नहीं बनाए, आगे देखे पीछे देखे सोचते हैं नहीं भारत के लोग, उनको यही नहीं पता तुम जा कहां रहे हो, किस ओर निकल रहे हो, तुम्हारी परंपराएं क्या थी, ठीक है कि नहीं, एक पीपल के पेड़ को लेके कह देते हैं भूत है इसमें, तो चलो भाई तुम कुछ नहीं मानते, तुम भूत प्रेत भी नहीं मानते, तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है, और हम सब गलत हैं, तो भाई तुम आज ये क्यों कहते हो पीपल में भूत प्रेत है, पीपल जब ऊर्जा देता है और तुम क्या कहते हैं ज्ञानवान हो, और तुम्हें ये पता है कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है, तब जितने बुद्धिजीवी है उनके घर में पीपल है क्यों नहीं, बताना जरा मुझे, और उनके खेतों में भी पीपल मिल जाए मुश्किल से, उसको भी कटवा देते हैं ये समझ के कि इसमें भूत प्रेत है, मानते भी नहीं हो, और काम भी सारे अलग करते हैं, और जो धर्म की हानि करते हैं उनको, और वो इतने ऊंचे विचारों के होते हैं कुछ आदमी, बातें पूछने लग जाओ
तो उनसे बड़ा विवेकी संसार में कोई नहीं है। भगवान के बारे में पूछो तो भगवान होते नहीं है, वही है पुण्य आत्मा सारी की सारी, ठीक है। और किसी के बारे में पूछो, अरे जब तुम इतने ज्ञानवान हो और इतने बड़े वैज्ञानिक हो, इतने बड़े शोधकर्ता हो, ग्रंथ हो गए और सबके सबको बता रहे हो कि ये सब ग्रंथ झूठे पंथ झूठे हैं, तो कम से कम अपने घर में पीपल तो लगा लो, वो तो झूठा नहीं है, वो तो सच्चा है, उसमें कहाँ से फिर भूत प्रेत ठग गए। वो तुम्हारी छात में हो जाता है, तुम्हारा जीना आराम हो जाता है, ठीक है, तुम्हारी दीवार में आ जाता है। तुम जब तक वो वहां से ना निकल जाए दीवार से, तुम्हारे दिमाग से नहीं निकलता है कि तुम्हारे दीवार में पीपल है, तब ऐसे बुद्धिजीवी वर्गों का करेंगे क्या। और ऐसी भारतीय परंपरा है जो इतनी स्वच्छ है, इतनी सुदृढ़ है और ऐसी वैदिक रीतियों से चलित है, और क्या कहते हैं इतना, अरे भाई मैं तो ये कहता हूँ कि एक राहु देवता है ना, अगर वो आपका बिगड़ जाए, आपका मानसिक स्टेटस फौरन चला जाएगा, आप मानसिक जो है यंत्रणा से जियोगे और इतनी पीड़ा होगी, घर वालों को पहचानना बंद कर दोगे, राहु का इतना प्रकोप होता है, तब पता चलेगा आपको नवग्रह की तरंगे कैसे आती हैं। बस ऋषियों को पागल समझ लिया, महात्माओं को पागल समझ लिया, अपने आप को बुद्धिजीवी समझ लिया, सब चीज़ों को व्यर्थ समझ लिया और फिर इससे बाहर नहीं निकल पाए, फिर घर की दीवार में पीपल हो जाता है तो दिमाग में चढ़ जाता है जैसे, वो फिर इससे बाहर भी नहीं निकला जाता उनसे, देख लो हद ये। इसलिए भारत का कभी भला नहीं हो सकता, ये एक दूसरे के पैर खींचते रहेंगे और इनको जो है कुछ ही लोग जो है नियंत्रित करते रहेंगे, तब भारत में ऋषि पैदा होने बंद ही हो जाएंगे, क्योंकि जो ऐसी बातें करेगा उसको हटा दिया जाएगा या सुना नहीं जाएगा या उसकी कीर्ति धूमिल कर दी जाएगी, साम दाम दंड भेद लगाया जाएगा, ठीक है। अलग अलग विचार काम करते हैं यहाँ। अगर मुझसे डॉक्टरों को हानि होगी तो डॉक्टर मुझे देख नहीं पाएंगे, वो ये तो सोचने से गए कि ये आदमी जो कह रहा है हो सकता है ये ठीक कह रहा हो, एक नई विधा को अपना लो, क्या पता लोगों का, इसका मतलब वो लोगों का कल्याण ही नहीं चाहते, वो चाहते ही नहीं लोगों के रोग ठीक हो, वो तो ये चाहते हैं लोग बीमार हो, और वो अगरबत्ती इसलिए लगाते हैं, पूजा इसलिए करते हैं, और उन्होंने अपने हॉस्पिटल्स में मंदिर इसलिए बनाए हुए हैं, उनका मतलब नहीं किसी के कल्याण से। कल्याण से मतलब होता है तो माता बहनों के पेट काटते भी ना बात के जबरदस्ती, ये कह कह के तुझे ये रोग हो गया जल्दी करा ले, ये कर ले वो कर ले, ऐसे ऐसे स्टेटस सिंबल बनाए हुए हैं कि आदमी जाता है उसको बाहर नहीं निकलने दिया जाता, इतने वो एडमिट ना हो जाता और इतने उसका गला ना काट दिया जाता, इतने उसके पैसे ना ले लिए जाते और मोटे मोटे फीस, मोटी मोटी फीस वसूली जाती है। ये सरेआम दिखाई दे रहा है भाई सबको, आपको रोग कोई ये बताया कोई जा रहा है और फिर कह रहे हैं मशीनें झूठी बोलती है, डॉक्टर ही झूठ बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि इसकी मशीन झूठी है तेरी मशीन ठीक है, वो कह रहे हैं सारे टेस्ट दोबारा कराने पड़ेंगे, क्यों भाई, अगर आपकी ये सारी मशीनें सच्ची है तो टेस्ट दोबारा क्यों, तो फिर उन्हीं टेस्टों पर काम किया जाए, नहीं समझे। हर 10 दिन में आपको दवाई खिला के दोबारा टेस्ट करा दिया जाता है, हर 10 दिन में दवाई खिला के दोबारा टेस्ट करा दिया जाता है, चाहे आदमी अपने आप को स्वस्थ फील करे, पूरे शरीर के अंदर इस शरीर का कोई भी यंत्र बिगड़ता है आपको तुरंत पता चल जाता है, आपको दस्त लगते हैं पता नहीं चलता है जी, अरे पैंट का हुक खोल के आपको टॉयलेट में जाना पड़ता है पता नहीं चलता आपको कि मुझे दस्त लगे हैं, आपको हैजा होता है पता चलता है, आपको दर्द होता है पता चलता है, आपको जो होता है उसका पता चलता है, भाई आप ही को तो पता चलता है, पहले डॉक्टर को तो बाद में पता चलता है क्या हुआ है, आप ही बताते हो जी मेरा गला खराब है, जी मेरा कान खराब है, जी मेरा ये खराब है, जी मेरे सिर में दर्द है, जी मुझे यहाँ भार है, जी मुझे बंधा बंधा सा लगता है, जी मेरे कंधों पे वजन रहता है, जी मेरी कमर में दर्द रहता है, कौन बताता है सर, जी मेरे घुटनों में देखो कुछ हो गया है, कौन बताता है, डॉक्टर बताता है तुम्हें पहले जाते ही कि तेरे ये हो गया रोग, ऐसे डॉक्टर है ही नहीं भारत में, क्योंकि पहले वो क्या होते थे, वैद होते थे, जो आपकी तीनों नाड़ियाँ कौन सी वात पित्त कफ की तीनों नाड़ियाँ पकड़ के चेकअप करते थे और नाड़ी से ही बता देते थे, चाहे अंधा वैद हो नाड़ी से ही बता देता था आपको ये वाला रोग है, और फिर वो अपने शिष्य को कहता था, किसी को भी अंधा ही आंखें बंद करके शिष्य को कहता था, जा भाई ये दवाई निकाल के इसको मिश्रण करके दे दे, होता था कि नहीं होता था, तो कहाँ है वे डॉक्टर आज आपके, आपको आयुर्वेद की जरूरत है, आप भारत के आदमी हैं, किसकी जरूरत है, आयुर्वेद की जरूरत, एलोपैथी की जरूरत ही कितनी है, 10-15%, वो भी आप मानो कि एकदम से हड्डी टूट गई, घाव ज्यादा हो गई, वो भी आपने उसमें विश्वास कर लिया, वरना तो अपने काकड़ा जी महाराज भी हड्डियां ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फिर और कितने लोग हड्डियों के इलाज कर रहे हैं, कितने पहलवान है जो आपकी हड्डी जोड़ देते हैं, हड्डी अपने आप जुड़ती है, डॉक्टर जोड़ता है, डॉक्टर अंदर क्या भर देता है जो हड्डी जुड़ जाती है, अपने आप जुड़ती है, उतने समय में हड्डी अपने आप ही जुड़ जाती है, बस वो आपकी चीजों को सेट करता है, ये खींच लिया हाथ सीधा हो गया, अब वो आपको दवाई दे देगा, अब वो दवाई दर्द की देगा, नशे की देगा, जो आपको इतने दिन दर्द महसूस ना हो, किस चीज की देगा वो दवाई, हड्डी जोड़ने की देगा, उसमें तो खाम का कैल्शियम लगा देता है, और वही महाराज जी की वाली बात, कैल्शियम तो चूने से भी मिलता है,
उसको खाने का तरीका होना चाहिए, वो बोला चूने से मुंह कट जाता है, अरे भाई खाने का तरीका होना चाहिए है जी, किसी आवश्यक वस्तु में डाल के दे दिया जाए, दवाई भी तो कड़वी होती है, फिर उसको एक फॉर्म में क्यों लेके आया जाता है, पाउडरी क्यों नहीं दे देते तुम, क्यों, क्योंकि उसका खाने का तुमने एक तरीका बना दिया है। और कैप्सूल की जिलेटिन वो गाय भैंस के खुरों से बनती है ना, तो फिर उसका कैप्सूल लेते हैं आप, और उसी कैप्सूल को आपको बहुत पहले से दिया जाता है, ठीक है ना, मतलब क्या आपका धर्म सुधार गया, इसे धर्म को क्या होती है, हानि होती है। एक दिन इससे पूरा बड़ा युद्ध हुआ था, और किसका युद्ध हुआ था आपको पता है, वो फिल्म आई है टीवी चैनल पे, ठीक है कि नहीं, कि वो किसकी गाय की चर्बी से गोली का ऊपर का बनाते थे, मंगल पांडे की। तो तब तो आपने स्वीकार नहीं किया, आज आप स्वीकार कर रहे हो, हर आदमी कैप्सूल खा रहा है, पूछ ही नहीं रहा है किस चीज से बना हुआ है। चर्बी से। हाँ जी, फिर और आप उसके अंदर की फिर वो फॉर्म कड़वाई क्यों ना दे देता सारा का सारा टोटली। अरे फिर यहाँ से सीखो, कड़वी दवाई से भी आपको लाभ होना है, तो जब कड़वेपन से लाभ होना है, ठीक है ना, तो कुछ कड़वापन भी तो ग्रहण करो, जो कड़वापन शब्द से आपको दे रहा है उसके बदले में कड़वापन ग्रहण करोगे तो अच्छा निकलेगा तुम्हारा, नहीं समझे। और इसके लिए कबीर दास जी कहते भी हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाज, इसलिए हमने उन्नति की है, क्यों उन्नति की है, कि निंदक बने रहे लोग और मनु भैया उन्नति करते रहे। आज क्या प्रारूप देखने को आता है मनु भैया का, ये प्रारूप देखने को आता है कि संसार में ना तो इस समय ऐसा कोई महात्मा है जो मनु भैया की होड़ कर सके, किस रूप में, इस रूप में मानव कल्याण के रूप में, ना ऐसा कोई डॉक्टर है पूरे संसार में, ना ऐसा कोई वैद्य है, ना ऐसा कोई चिकित्सक है, और ना ऐसा कोई मंत्र वेत्ता है जो यज्ञ के माध्यम से आपके रोगों को निकाल सके, बताइए तो इससे भी ज्यादा उपलब्धि आप क्या लेंगे। लेकिन ये तभी हुआ है जब लोगों ने मुझे सींचा है, मुझे सींचने वाला मैं स्वयं नहीं हूँ, मैंने तो मेहनत की है, लेकिन वो मेहनत करने के लिए प्रेरणा कौन देता है, आपके निंदक देते हैं, और ये बात ओमपाल जी भी जानते हैं कि निंदक आपको प्रेरणा देते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो वो प्रेरणा पाके हम लोग काम करते हैं, आ गए ना। मैं अपने बड़े बड़े फंक्शन में नहीं जाता हूँ, पारिवारिक फंक्शनों में नहीं जाता हूँ, क्यों नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ सीखना है, मुझे अभी भी कुछ ग्रहण करना है, मुझे अभी भी आप लोगों को लाभ देना है, मैं वहां तक पहुंचाना चाहता हूं अपनी पत्नी को जहां से वो शुरू हुई थी, हमारे ऋषियों ने उठाई थी, ठीक है। तब अब किसी महात्मा के सामने कह दो महाराज जी मुझे भूत प्रेत है, अरे भाई ये तो कर्मों का प्रारब्ध है, कर्मों का फल है, कर्मों का फल क्यों महाराज जी, है जी, गंगा नदी जहां से बह रही है वहां पे बांध लगा दिया सरकार ने, गंगा नदी के कर्मों का फल है जी। हाँ जी, समुद्र के किनारे बंदरगाह बना दिया, मिट्टी डाल के पूरा का पूरा नगर बसा दिया समुद्र में, किसका फल है जी, कर्मों का, समुद्र के कर्मों का फल है। अरे आप किसी के जीवन के बहाव को तुरंत रोक सकते हो, रोक सकते हो कि नहीं, रोक सकते हैं, सिद्धि के कर्मों का फल था, सिद्धि की के जो वहां मारा गया मुंबई में, कर्मों का फल था भाई, ये कर्मों का फल था, बताते हैं। अरे कर्म के बारे में तो तुम ज्ञाता ही नहीं हो, कर्म क्या है और कर्म का फल क्या है।